यस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली घर पर हैं, बढ़िया हैं और सुरक्षित है गाइस। सो मैं आपका अपना हल्क अनुराग द्विवेदी आपके सामने दोबारा से आ चुका हूं एक और बहुत बेहतरीन सेशन के साथ, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सर अकाउंटेंसी में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं टर्म 1 में, बिजनेस स्टडीज का टर्म 1 का सिलेबस क्या है, इकोनॉमिक्स में टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर्स हमें प्रिपेयर करने हैं। तो गाइज इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर एक भी चीज मिस कर दी तो शायद आपके कुछ नंबर मिस हो जाए। और इस वीडियो के एंड में मैंने आपको क्या दिया है, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक सरप्राइज रखा हुआ है, एक ऐसा सरप्राइज जो शायद आपके बहुत ज्यादा काम आए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, एक सरप्राइज रिवील करूंगा और वो सरप्राइज ट्रस्ट मी आपके बहुत 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 ज्यादा काम आएगा। अगर ना आए तो आप इस वीडियो को शेयर मत करना, ठीक है? ओके चलिए। और अगर आए सरप्राइज, लगे कि अच्छा सरप्राइज है, तो प्लीज उसको शेयर करके जरूर आइएगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं गाइस, चीजों को समझना, चीजों को देखना कि कौन कौन से चैप्टर हमारे टर्म 1 में आ रहे हैं बिजनेस स्टडीज के अंदर। सवाल को देखते हैं भाई, क्या है? बिजनेस स्टडीज कोड 054 होगा हमारा, एंड क्लास 11th में 21-22 के लिए टर्म वाइज करिकुलम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है? ओके, तो गाइस जो बच्चे कंफ्यूज थे कि सर 10th और 12th क्लास का ही तो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम आने वाला है, नहीं बालको 11th का भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। देखो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर 40 नंबर का होगा, 90 मिनट का होगा, मतलब डेढ़ घंटे का पेपर होने वाला है, ठीक है जी? टोटल 40 मार्क्स का होगा। कैसे देखते हैं सर? पार्ट ए आ रहा है आपका टोटल 11th क्लास में, ठीक है? 11th क्लास फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस, पहला चैप्टर इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस है। सर इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस में क्या पढ़ना है हम लोगों को? बालको हिस्ट्री ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे, ट्रेड, ठीक है जी, ट्रेडिंग कम्युनिटीज कौन कौन सी थी उस टाइम पे, उसके बाद बिजनेस है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, रिस्क, कॉमर्स, ये सब चीजें पढ़ना है चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 में गाइस हमें फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है कि किस किस तरह के बिजनेस होते हैं। सर सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, पब्लिक प्राइवेट कंपनी, ये सब चीजें पढ़ेंगे। उसके पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस एमएनसीज, उसके बाद कुछ स्ट्रेचरी कॉर्पोरेशंस हैं, ठीक है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। उसके बाद बिजनेस सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स, ठीक है जी, बैंकिंग, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर। उसके बाद एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस हम लोग देखने वाले हैं कि ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ई बिजनेस के क्या क्या फायदे हैं आज की डेट में, ई कॉमर्स क्या होता है, ये सारी चीजें हम चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे। और चैप्टर नंबर 6 में देखेंगे इसका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, हर बिजनेस जो सोसाइटी में ऑपरेट करता है उस सोसाइटी में ऑपरेट करते करते हर बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, तो कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और क्या बिजनेस एथिक्स हैं बिजनेस के, हमें ये देखने हैं। सो टोटल गाइज आपके 6 चैप्टर आ रहे हैं टर्म 1 के अंदर, जो कि होंगे 40 नंबर के, साथ साथ आपका टर्म 1 का अलग प्रैक्टिकल होगा। इस बार प्रैक्टिकल 2 होंगे, हर साल आपके एक प्रैक्टिकल होता, इस बार 2 प्रैक्टिकल है। प्रोजेक्ट वर्क पार्ट 1 इज ऑफ 10 नंबर, ठीक है, तो 10 नंबर गाइज आपका प्रोजेक्ट वर्क भी होगा। सो बिजनेस स्टडीज गाइज मैं लेके चलूंगा, या कैसे करने वाले हम लोग आपके लिए, बोलो सरप्राइज एंड में, बने रहो ना। चलो अब बात करते हैं बालको इकोनॉमिक्स की। अब इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स में क्या चीजें होने वाली हैं, ठीक है बालको? इकोनॉमिक्स के अंदर देखिए सब्जेक्ट कोड इज 030, ठीक है, क्लास 1, क्लास 11th, टर्म वाइज सिलेबस बिल्कुल सेम चेक गाइज, 40 नंबर का पेपर होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा और 90 मार्क्स आपको मिलेंगे इसके लिए, ठीक है? तो गाइज जो 11th की जो इकोनॉमिक्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 पार्ट बी, पार्ट ए स्टैटिस्टिक्स होता है और पार्ट बी जो है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अब सवाल ये है सर कि यहां पर इंट्रोडक्शन दिख रहा होगा आपको, तो 4 नंबर का इंट्रोडक्शन है गाइज, उसके बाद कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा 9 नंबर का ये है, और उसके बाद क्या देखे भाई, स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, अरिथमेटिक, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, ये 10 नंबर का है। मतलब टोटल जो है आपका स्टेट से 23 मार्क्स का पेपर बनता है, साथ साथ आप क्या कहते हैं आपका जो पार्ट बी है वहां से 17 नंबर का आपका पेपर बनता है। सर माइक्रो में क्या क्या आएगा? माइक्रो में इंट्रोडक्शन आएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड आएगा, ठीक है? तो टोटल गाइस 40 नंबर का हुआ ये और 10 नंबर आपके प्रैक्टिकल के, तो टर्म 1 का प्रैक्टिकल अलग होगा जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं। तो ये गाइस आपका इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स की क्लासेस कैसे करेंगे सर? टर्म 1 की तैयारी कराओगे क्या? थोड़ी देर में बताऊंगा ना, बोला तो एंड तक बने रहिए, आपके लिए एक सरप्राइज है, ठीक है बालको? चलो अब बात करते हैं अकाउंटेंसी की। सर अकाउंटेंसी का क्या सिलेबस है? सो बालको जल्दी से देखते हैं कि व्हाट इज द सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी। सो गाइस अकाउंटेंसी सेम विद अकाउंटेंसी गाइस। सर क्या है अकाउंटेंसी में? देखिए भाई क्लास इलेवेंथ 2021-22 सेशन का ये सिलेबस होगा। टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम आने वाला है, 40 नंबर का एग्जाम होगा, 90 मिनट, डेढ़ घंटा आपको मिलेगा, ठीक है जी? और इसके भी पार्ट ए के 2 यूनिट आ रही है आपकी, ठीक है? पार्ट जो यूनिट 1 है उसमें क्या रहा है, थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क सारा आ रहा है, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग एंड थ्योरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग,
ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस में रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन आएगा, उसके बाद बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आएगा, डेप्रिसिएशन रिवीजन एंड प्रोविजन एंड रिजर्व आएंगे, ठीक है। तो ये गाइस 28 नंबर का होगा, 12 नंबर की थ्योरी होगी, टोटल 40 नंबर का आपका अकाउंटेंसी हो गया और 10 नंबर गाइस आपका हो गया प्रैक्टिकल, 10 नंबर गाइस आपका हो गया प्रैक्टिकल। तो ये गाइस हमारा टोटल सिलेबस, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाया, जल्दी जल्दी सिलेबस बताया क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा जिन्होंने थोड़ा सा लेट हो चुके हैं तो अब उसको दूर करेंगे और बहुत जल्द आप लोगों के लिए सारी क्लास स्टार्ट करेंगे नहीं करेंगे, थोड़ी देर बोला ना, रुक जाओ, थमो जरा, कहां जा रहे हो, पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर जरूर करना, सरप्राइज अच्छा लगे तो। सरप्राइज क्या है सर? सरप्राइज ये है कि हम आप लोगों के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाल को? हम आप लोगों के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। क्या प्लान कर रहे हो सर? क्या प्लान कर रहे हो? तो बाल को हम प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि कुछ कुछ क्लासेस स्टार्ट की जाए, ठीक है। और टर्म वन का सिलेबस आपका जल्दी जल्दी कब से सर जी? बताऊंगा। कहां पे सर जी? ये भी बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। बहुत ही जल्दी से चैनल पर पूरी टीम आएगी आप लोगों से मिलने के लिए, आपको बताने के लिए कि कम कब से हम लोग आपको बिल्कुल फ्री में तैयारी कराने वाले हैं आपके टर्म वन की सारी ट्रेनिंग बहुत जल्दी करेंगे। लेकिन फिलहाल सस्पेंस अभी हटा नहीं सकते क्योंकि कुछ चीज और भी हैं जो हम और ऐड कर रहे हैं, उसमें और कुछ फ्लेवर्स गाइस ऐड कर रहे हैं, बहुत जल्द आपको बता देंगे, ठीक है। चलो अब जो बच्चे नए हैं जिनको मेरे बारे में नहीं पता, बालकों अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम जो है बालकों, मेरा नाम अनुराग द्विवेदी है, ठीक है। मैंने एमकॉम किया हुआ, बीएड किया हुआ है, बीकॉम ऑनर्स किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। बाल को पिछले 7 साल से ज्यादा हो गया मुझे बिजनेस स्टडीज पढ़ाते हुए। आई हैव ऑलरेडी टॉट लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आई एम मोटिवेशनल स्पीकर एंड करियर काउंसलर एंड आई एम एजुकेटर बाय पैशन एंड बिजनेसमैन बाय प्रोफेशन गाइस। तो उसकी भी प्रैक्टिकल नॉलेज आती रहती है, उसको भी मैं ऐड करके देता रहता हूं, ठीक है। ओके, तो मौज लेना गाइस। उसके बाद मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर लेना, ठीक है। फॉलो करोगे क्योंकि मैं स्पेशल क्लासेस में बिल्कुल अनअकैडमी के ऊपर बिल्कुल फ्री क्लासेस की सीरीज लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए, क्लास 11 के बच्चों के लिए। तो सर कैसे पता लगेगा? अगर आप मुझे जाके अनअकैडमी फॉलो कर लेंगे। सर कैसे फॉलो करें? अनअकैडमी खोलो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप खोलो, वहां जाके अनुराग द्विवेदी सर्च करो, मैं दिख जाऊंगा, वहां फॉलो का ऑप्शन आएगा, कर लेना, ठीक है। ओके गाइस, अनअकैडमी ने बिल्कुल एक फ्रीडम आपको दे रखी है सभी बच्चों को, ठीक है। तो आपको करना क्या है सर? बहुत सारी फ्रीडम है। कैसी फ्रीडम? घर बैठे बैठे पढ़ने का फ्रीडम, ठीक है जी। सारे कोर्स को जल्दी जल्दी कवर करने का फ्रीडम, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का फ्रीडम, अपने डाउट्स को रेगुलर बेस पे 3 क्लास के बाद एक सेपरेट क्लास में डाउट को क्लियर करने का फ्रीडम, सिलेबस को अच्छे पैटर्न में करने का फ्रीडम, ठीक है जी। मेंटरशिप गाइडेंस, ठीक है जी, इसका फ्रीडम आपको मिल जाता है, आपको प्रॉपर मेंटरशिप मिलती रहेगी जो नहीं मिल पाती है कई बार, ठीक है जी। स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट हैंड टू हैंड डाउनलोड करने का फ्रीडम, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज, इतना सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में। तो बाल फटाफट जाओ अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद अगर आप चाहते हैं तो प्लस पे जाके, क्लास 11 पे जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, फ्री में तो आई, लेकिन अगर आप पेड पढ़ना चाहते हो तो पेड पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपके ऊपर है टोटली। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोगों के लिए एक डिस्काउंट, एक कॉम्बो लेकर आया हूं गाइस। कॉम्बो किस बात का? क्लास 11th प्लस क्लास 12th प्लस सीए फाउंडेशन कॉम्बो आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपने सोच रखा है मुझे सीए करना है तो बहुत ही अफोर्डेबल फीस में सर मात्र 1553 रुपए में आपके लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। 1553 पर मंथ में आपके लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए, ठीक है जी, पर मंथ बैठेगा 1553 रुपए और AD100 कोड लगा देना, 10% का डिस्काउंट गाइज आपको मिला हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। ओके, और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना बाल, तो हम लोग एक खड़ी कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स आर्मी, इंडिया की सबसे बड़ी स्टूडेंट्स आर्मी, जहां पर हर बच्चा अपने डाउट को पूछेगा, जहां पर हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे। एक ऐसी कॉमर्स की आर्मी तैयार की जा रही है जो हर बच्चे का सपना होगा 100 में से 100 नंबर लाने का। तो अगर आप उस आर्मी का पार्ट बनना चाहते हैं तो AD100 कोड लगाना कतई मत भूलना। अगर आप सर कॉम्बो नहीं लेना चाहते, अगर आप सिर्फ 11th का चाहे सिर्फ 12th का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर गाइस अवेलेबल है। सिर्फ 11 का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। जितने मंथ्स का लेना आप लोग ले सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग है। AD100 कोड लाके ले लीजिएगा, ठीक है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, इसमें आपको पर्सनल मेंटोर, लाइव डाउट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट, पेरेंट्स कनेक्ट, स्टडी प्लानर और सारे बेनिफिट्स प्लस के मिल जाते हैं बाल को। तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कौन सा नहीं लेते हैं, ठीक है। सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप 12 मंथ्स का ले लीजिए बाल, एक बार में 12 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लो। जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, सर मेरे को पर्सनल मेंटोर मिल जाएंगे, मेरे को एक स्टडी प्लानर मिल जाएगा, पेरेंट्स से मेरी बात होती रहेगी रोज रोज, तो और क्या चाहिए? AD100 लगाओ, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इंडिया के सबसे बड़ी स्टूडेंट्स आर्मी जो हम तैयार कर रहे हैं उसमें जुड़ने का मौका मिल जाएगा। एक ऑफर भी चल रहा है, अगर आप AD100 कोड लगाते हैं और 24, 36 या 48 मंथ्स में या फिर 12, 15 या 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं
सो इसमें आपको मिल जाता है 2 मंथ एक्स्ट्रा, मतलब 12 मंथ के पैसे दोगे अगर ना आप, तो आपको 14 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, प्लस साथ में 2 मंथ एक्स्ट्रा क्रिएटिव कॉर्नर, जहां पर आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, अपने पैशन वगैरह के लिए कुछ काम कर सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग मैजिक वगैरह ये सब चीजें आप सीख सकते हैं, ठीक है ओके। उसके बाद सर जी 30 अगस्त तक वैलिड है, 24, 36 एंड 48 मंथ में 24 महीने का पैसे दोगे, 36 महीने का दोगे, 48 महीने का दोगे, तो 4 महीने फालतू मिलेंगे आपको, एक्स्ट्रा मिलेंगे। 24 में 28 मिल गया, 36 में 40 मिल गया, 48 में 52 मंथ्स का मिल गया, ठीक है। तो जाके बाल को आज ही ले लेना, और 4 मंथ्स का आपको क्रिएटिव कॉर्नर मिल जाता है, 10% का डिस्काउंट आपको मिल ही रहा है, ठीक है। कई अनअकैडमी पे कॉम्बेट हर संडे स्कॉलरशिप टेस्ट भी होता है, हम जाके दे सकते हैं, संडे 1 बजे होता है, 81100 कोड लगा के देना, ठीक है, एंट्री मिल जाएगी। उसके बाद अनअकैडमी पे गाइस कितने मर्जी डाउट्स आप पूछ सकते हो, जितने मर्जी पूछना है पूछ लो, बिल्कुल फ्री में पूछ सकते हैं डाउट्स। आज का डाउट फीचर बिल्कुल नया फीचर आया है, ये स्टेप्स फॉलो करो और आज का डाउट को पूछ लो। बक्स बाउंटी गाइस एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है अनअकैडमी, आपको कोई भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है कहीं पे भी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करो और रिपोर्ट कर दो आपका जो भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है। इफ योर रिपोर्ट विल बी जेन्युइन, यू विल डेफिनेटली गेट सम प्राइजेस, ओके। अनअकैडमी के प्राइस मैं खुद बहुत सारी स्पेशल फ्री क्लासेस लेता रहता हूं। सर क्या स्टेप है, ये स्टेप फॉलो करिए, आपको एक कोड लगाना पड़ेगा, सिर्फ मेरी क्लास में नहीं, किसी भी सब्जेक्ट की क्लास में जाओगे अनअकैडमी के ऊपर फ्री में पढ़ना है ना, तो फ्री का कोड क्या है गाइस, AD100। फ्री का कोड क्या है जी, एक और कोड है गाइस, एक और कोड है आप लोगों के लिए, एक स्पेशल कोड भी है क्या, फ्री एंट्री। आप एक कोड और ला सकते हैं क्या, फ्री एंट्री। अगर आपको फ्री एंट्री चाहिए तो आप फ्री एंट्री कोड भी लगा सकते हैं, 11th क्लास के बच्चों के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल कोड लगाया क्या, फ्री एंट्री, साथ साथ AD100 लगाओगे तो भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ओके। कैसे अनअकैडमी के ऊपर क्विज भी होती है, क्विज भी अटेंड कर सकते हैं आप, बिल्कुल फ्री क्विजेस हैं, फ्री क्विज के लिए आप AD100 लगा दीजिए या फिर फ्री एंट्री कोड लगा दो। फ्री एंट्री के लिए बात को फ्री एंट्री कोड लेकर आया हूं आप लोग के लिए, ठीक है ओके। फ्री एंट्री कोड आप लोग यूज करिए ओके गाइस, एंड 8100 कोड फॉर एनी काइंड ऑफ प्लस आइकॉनिक कॉम्बैट क्विज स्पेशल क्लास, सबके लिए कोड चलता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, होपफुली यू रियली लाइक दिस वीडियो, ठीक है जी। आई रियली वर्क हार्ड फॉर दिस, यू नो आप लोग, हम लोग रोज रोज कुछ ना कुछ आपके लिए कर रहे हैं, एक नया सरप्राइज भी आप लोगों के लिए लेकर आए थे आज, एंड शायद उस सरप्राइज आपको अच्छा लगा, काम आएगा आपके। बाकी डिटेलिंग उस सरप्राइज की बहुत जल्दी एक और नई वीडियो लेकर आ रहा हूं, उसमें करूंगा। टिल देन गाइस अपना ख्याल रखिए प्लीज, ठीक है। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इको बिज आपका अपना चैनल है, वीडियो को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, आप वीडियो देख लेते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, फायदा नहीं होता है फिर, ठीक है। बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर गाइस, ठीक है। एंड 8D100 फॉर एनी फ्री फीचर, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं बहुत जल्द, ठीक है। सो लेट्स क्रैक इट गाइस, सी यू सून, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।